नगर की, जहां के पालिका में सभासदों ने ईओ का घेराव कर पालिका अध्यक्ष पति पर सार्वजनिक अवकाश के दिन बैठक करके ठेकेदारों को काम बांटने का आरोप लगाया है। नगर पालिका ईओ ने सार्वजनिक अवकाश के दिन कार्यालय खुलने की जानकारी लिपिक से मांगी है। मामले में ईओ ने जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। आपको बता दें कि घाटमपुर नगर पालिका के सभासद सत्यम सिंह चौहान, विवेक शुक्ला, राजपूत शाहू, मोहम्मद ओएस उर्फ लाला, जितेंद्र बुधवार दोपहर घाटमपुर नगर पालिका परिसर पहुंचे, जहां परिसर में पहुंचते ही सभासदों ने ईओ डॉक्टर महेंद्र कुमार का घेराव करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष पति पर आरोप लगाया कि बीती 22 जनवरी के दिन अयोध्या में आयोजित श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के चलते सरकार ने सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था। वहीं सार्वजनिक अवकाश के दिन घाटमपुर नगर पालिका स्थित सभागार कक्ष में नगर पालिका अध्यक्ष गजाला तबस्सुम के पति हाफिज अब्दुल अहद ने यहां पर ठेकेदारों को बुलाकर बैठक करने के साथ कौन सा काम कौन ठेकेदार द्वारा कराया जाएगा इस बात की रूपरेखा बनाई, जिसके बाद ठेकेदार अपने अपने कागजात तैयार करने में जुटे हुए थे। सभासदों की शिकायत पर घाटमपुर नगर पालिका ईओ डॉक्टर महेंद्र कुमार ने नगर पालिका लिपिक से सार्वजनिक अवकाश के दिन कार्यालय खुलने की जानकारी मांगी थी। घाटमपुर नगर पालिका ईओ डॉक्टर महेंद्र कुमार ने बताया कि लिपिक से सार्वजनिक अवकाश के दिन कार्यालय क्यों खोला गया, इसकी जानकारी मांगी है। जांच की जा रही है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रकरण में मुझे जो है दिनांक 22 तारीख को शपथ पत्र दाखिल करना था माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में। मुझे और नायब तहसीलदार साहब को जो है उसमें हाईकोर्ट में जाके शपथ पत्र दाखिल करना था। उसी प्रकरण में उस समय इलाहाबाद में हाई कोर्ट में था और ये जानकारी मुझे भी मिली है, कार्यालय खुला था। मैं जो है लिपिक से या जो कार्यालय कर्मचारी द्वारा कार्यालय खोला गया है उसके संबंध में वार्ता करके जानकारी लूंगा कि किस वजह से खोला गया, क्या आवश्यक काम था, और बाकी और शेष चीज़ों के विषय में जानकारी नहीं हो पाई है कि ये काम का बंटवारा तो ऑनलाइन जो प्रक्रिया है उसमें काम का बंटवारा हो ही नहीं सकता। जो है इसमें तो जो है ई निविदा ई टेंडर की कार्रवाई के तहत है, उसमें इस तरह से कोई बंटवारे उटवारे की बात जैसी कोई बात नहीं होती है। जो है